और चलिए अब बात करेंगे अलवर मूक बधिर मामले की। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस के बयान के बाद अब इस पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया और इसमें जमकर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बात की और तमाम सवाल भी साधे हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को उन्होंने जमकर घेरा, सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अलवर रेप की घटना के खिलाफ बीजेपी 17 और 18 जनवरी को मंडल स्तर और पंचायत केंद्र तक प्रदेश में अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। इधर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने अलवर पहुंच रहा है। बीजेपी नेता इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस तरीके से एकदम से यू टर्न करना ये सवाल खड़े करता है और इसलिए किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और उसमें मुझे लगता है कि कहीं सरकार को कोई अड़चन और तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 17 और 18 को पूरे प्रदेश भर के पार्टी के उपखंड मुख्यालय, पंचायत समिति केंद्र और पार्टी के मंडल स्तर पर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जब तक सरकार सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत नहीं हो जाती क्रमिक रूप से इस मांग को हम लोग उठाते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में बनी कमेटी जिसके 5 सदस्य हैं, अजय पाल सिंह जी हैं, अलका गुजर जी हैं, अलका मुंद्रा जी हैं, मैं स्वयं भी हूँ और जितेंद्र जी हैं, ये 5 सदस्य आज अलवर के लिए अभी प्रस्थान कर रहे हैं और हम तब तक जो हकीकत और जो भी मुलजिम है इस पूरे प्रकरण के अंदर, जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो और जब तक उनको सजा नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। अलवर में एक दिव्यांग नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना होना और राजस्थान की महिला मंत्री का ये बयान निश्चित रूप से बहुत अशोभनीय है और शर्म आती है हमें कि इस तरह के हुक्मरान हमारे यहाँ पर हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूँगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और महिला मंत्री को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पूरे महिला समाज के अपमान का बात है।